नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। दोस्तों आज हम विक्रमशिला एक्सप्रेस और शिवगंगा एक्सप्रेस के कंपैरिजन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों के डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में, क्लासेस के बारे में, ऑपरेटिंग स्पीड, रूट्स, हॉल्ट जो भी हैं, लोकोमोटिव टाइमिंग्स, उसके बाद फिर उसकी पंक्चुअलिटी, क्लीनलीनेस, जो भी और भी टिकट एबिलिटी, सेफ्टी, ये सब के फीचर्स के बारे में बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो दोस्तों अभी कंपैरिजन वीडियो लगातार आ रही है, क्योंकि एक कंपैरिजन वीडियो खत्म होती है तो आप दूसरा कमेंट कर देते हैं सब्सक्राइबर, तो अभी लगातार इसकी सीरीज ही चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को फटाफट। तो बात की जाए विक्रमशिला सुपर फास्ट एक्सप्रेस की, तो ट्रेन ऑपरेट करती है 12367/68। ये एक डेली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि भागलपुर जो पड़ता है बिहार में, वहाँ से आनंद विहार टर्मिनल जो पड़ता है दिल्ली में, इसके बीच चलती है। ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा देखरेख करी जाती है। अब आते हैं शिव गंगा एक्सप्रेस पे, तो ट्रेन ऑपरेट करती है 12559/60। ये जो ट्रेन है दोस्तों ये भी डेली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि मुरवाड़ी जो पड़ता है यूपी में, वाराणसी डिवीजन, वहाँ से न्यू दिल्ली के बीच चलती है। ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा देखरेख करी जाती है। अब आते हैं विक्रमशिला के डिस्टेंस ट्रेवल पे, तो ये करीबन करती है 1209 किलोमीटर का, वो भी 20 आवर 45 मिनट्स में। इसके करीबन 19 स्टॉप्स हैं। डिस्टेंस ट्रेवल की बात की जाए तो ये करीबन करती है 555 किलोमीटर का, वो भी 12 आवर 30 मिनट्स में। इसके करीबन 2 स्टॉप्स हैं। अब आते हैं दोस्तों क्लासेस में, तो क्लासेस में अगर बात की जाए विक्रमशिला सुपर फास्ट एक्सप्रेस की या फिर शिवगंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस की, तो दोनों ही में LHB रेक शेयर होते हैं। जिसमें से बात करूँ तो दोनों का अगर मैं लूँ तो विक्रमशिला में फर्स्ट एसी कम सेकंड एसी का कोच होता है, जबकि शिवगंगा में सिर्फ फर्स्ट एसी का कोच यूज होता है। फिर सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, जनरल अनरिजर्व, पेंट्री कार और 2 EOG का यूज होता है, बाकी सब सेम रहता है। ऑपरेटिंग स्पीड की बात करें दोस्तों, तो विक्रमशिला की ऑपरेटिंग स्पीड है 58 kmph मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट और 130 kmph मैक्सिमम। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शिवगंगा एक्सप्रेस की, तो इसकी 64 kmph मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट है और 110 kmph मैक्सिमम है। रूट्स या हॉल्ट की बात करूँ दोस्तों, तो भागलपुर से निकल के सुल्तानपुर, यह है विक्रमशिला की, जमालपुर, क्यूल, पटना जंक्शन, मुगल सराय, कानपुर सेंट्रल होते हुए आनंद विहार टर्मिनल पहुँचती है। जबकि बात करूँ शिवगंगा एक्सप्रेस की, तो मुरवाड़ी से निकल के अलाहाबाद जंक्शन होते हुए कानपुर सेंट्रल से न्यू दिल्ली पहुँचती है। लोकोमोटिव की बात की जाए दोस्तों, तो आनंद विहार से बात करूँ मैं मुगल सराय में, इसका WP7 का लोकोमोटिव यूज़ होता है गाजियाबाद शेड का, और फिर मुगल सराय से भागलपुर के बीच WDM3A का लोकोमोटिव यूज़ होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शिवगंगा एक्सप्रेस के लोकोमोटिव की, तो इसमें मुरवाड़ी से अलाहाबाद तक WDM3A का लोकोमोटिव यूज़ होता है, फिर उसका WEF4 या WEF5 का लोकोमोटिव यूज़ होता है टिल न्यू दिल्ली तक। टाइमिंग्स की बात की जाए 12367 जो है भागलपुर से 11:15 पे सुबह निकलती है और अगले दिन आनंद विहार टर्मिनल सुबह 7:35 पे पहुंच जाती है, और 12368 जो है आनंद विहार से शाम में 2:40 पे निकलती है और अगले दिन भागलपुर 12:25 पे पहुंच जाती है। अब बात करता हूँ शिवगंगा एक्सप्रेस के टाइमिंग पे, 12559 जो है मुरवाड़ी से शाम में 7:40 पे निकलती है और अगले दिन न्यू दिल्ली 8:10 पे सुबह पहुंच जाती है। जबकि 12560 जो है न्यू दिल्ली से शाम में 6:55 पे निकलती है और अगले दिन सुबह मुरवाड़ी सुबह 7 बजे पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये तो थी दोनों ट्रेन की बातें। अब आते हैं कुछ क्लीनलीनेस पे, दोनों ट्रेन की क्लीनलीनेस की बात करूँ तो दोनों एवरेज है, क्योंकि गंदा तो करते ही हम लोग, तो एवरेज ही करूँगा। उसके बाद अगर मैं पंक्चुअलिटी की बात करूँ तो शिवगंगा की पंक्चुअलिटी मैं गुड रखूँगा और भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस की मैं एवरेज रखूँगा, क्योंकि ये ट्रेन बिहार जाने वाली ट्रेन है तो मैक्सिमम लेट होती ही है अपने शोर से। तो अगर 2:40 में निकली आनंद विहार से, बट भागलपुर पहुंचते पहुंचते वो 2 बज जाती है, तो करीबन 2 घंटे 2.5 घंटे लेट होती है, तो इसे मैं एवरेज में रखूंगा। सेफ्टी की बात करें दोस्तों, तो LHB रेक्स है तो उसके लिए मैं गुड पे, वेरी गुड पे रखूंगा। फूड्स की बात करूँ तो फूड दोनों में ही गुड है, और टिकट एबिलिटी की बात करूँ दोस्तों, जो मेन जो आता है आपको टिकट एबिलिटी, तो दोनों में ही आपको वेटिंग कराना पड़ेगा। अगर आप जाना चाहते हो, सोच रहे हो कि आप 1 महीने की 10-15 दिन बाद जाना हो, तो आपको हो सकता है आपको वेटिंग टिकट मिले, बट ऑफ सीजन में आपको इसके अंदर टिकट मिल सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों इस ट्रेन की, दोनों ट्रेन की, और है दोनों दोस्तों अलग अलग रूट की, एक वाराणसी के लिए है तो एक भागलपुर जो बिहार में पड़ता है इसके लिए, तो दोनों अलग अपने रूट के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेन है और मोस्ट
जो कहे तो लोग इसे ज़्यादा इसमें ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ऑप्ट करते हैं पहले इसी ट्रेन को, इसमें टिकट नहीं मिलती है तब वो दूसरे ऑप्शन के लिए जाते हैं। बट पहला ऑप्शन वो हमेशा भागलपुर के लिए यही विक्रमशिला रखते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए जो इसमें सफ़र करना चाहता है। और अगर मैं बात करूँ शिव गंगा एक्सप्रेस की, तो कहे तो ये दोस्तों एक तरह से नाइट ट्रेन है, क्योंकि शाम में निकलती है कहीं से भी, चाहे न्यू दिल्ली से हो चाहे मुरवाड़ी से हो, शाम में निकलेगी और सुबह सुबह अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएगी। तो इस हिसाब से ओवरनाइट ट्रेन भी कहना गलत नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना।